हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल परिवार में। और इसमें आपने एक से लेकर 85 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं हीट टॉपिक से, और इसमें अब आपके हैं 86 क्वेश्चन से लेकर 175 समथिंग। तो आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको हमारा ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने FB ग्रुप्स पर शेयर जरूर करिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम कौन सा है? तो यह नियम है आपका स्टीफन का नियम। और जो स्टीफन का विकिरण का नियम है, उसका जो फॉर्मूला है वो आपका है E इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर ये होगा कि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता जो है E, उसके परम ताप टी के चौथे घात के अनुपानुपाती होती है। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, इसे स्टीफन नेता इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम कौन सा है? यह नियम है आपका न्यूटन का शीतलन नियम। यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 89 क्या कह रहा है? न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो तब। ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होगा आपका जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितनी देर लगेगा? तो उसे 10 मिनट से अधिक लगेगा। ठीक है, 10 मिनट से अधिक लगेगा, क्योंकि पहले ज़्यादा गर्म था तो 10 मिनट ले रहा है ठंडा करने में, और फिर कम है तो फिर उसे उतना और ठंडा करने में 10 डिग्री 10 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 91 क्या कह रहा है? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डिवार हैं, डिवार। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 92 क्या कह रहा है? थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, कैसे? चालन, संवहन व विकिरण से, चालन, संवहन और विकिरण से रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 93 में है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, क्यों? विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए चमकीली होती हैं। ठीक है, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 94 में क्या है? 94 क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्योंकि इसका क्या कारण है? इसका कारण है आपका चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रवेश या उसमें अंदर ऊष्मा जाने से रोक उन्हें रोकती हैं। ठीक है, तो ये कारण है उसका, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को इसलिए लंबे समय तक गर्म रख पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 95 क्या है? किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई लगाई जाती है? तो ये है विकिरण, विकिरण को रोकने के लिए उस पर कलई लगाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या है? यह है आपकी विशिष्ट ऊष्मा। ये आपका परिभाषा जो है ये आपको याद होगी, आपने याद की होगी, पहले पढ़ा हुआ है ये। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखें डायरेक्ट इसी तरह। अगला देखिए 97 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसमें ऑप्शन में से जल जल इनमें सब में जल का जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है।
ठीक है, अगला देखिए 98। एक दिन के समय पृथ्वी समुद्र तल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसकी धारिता काफी अधिक होती है, इस यही कारण है कि वह जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, अगले देखिए 99। 99 क्या कह रहा है? मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है कहाँ? रॉकेट प्रौद्योगिकी में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101, वन बोलेंगे इसे। ठीक है, हम निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापी परीक्षण आपका -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2। निम्न न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, न्यून तापमानों का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रत्यापन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्ध्वपातज क्या है? इसमें चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिया है आपको, पूछ रहा है ऊर्ध्वपातज क्या है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातज कपूर भी है, नेपथलीन भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है, जिन्हें गर्म करने पर सीधे हवा में उड़ जाता है। तो ये का है ऊर्ध्वपातज क्या है, सभी उपयुक्त, सभी आंसर आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 105। ये क्वेश्चन है जिस ताप पर ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका गलनांक, गलनांक। ठीक है, चलिए अगला देखिए 106। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाता है? वह क्वथनांक कहलाता है आपका। ठीक है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाए वह क्वथनांक कहलाएगा, और जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाए वह क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, अगला देखिए 7। 7 क्वेश्चन क्या है? शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके गलनांक, तो जो उसका गलनांक होता है वो घट जाता है। ठीक है, उसका गलनांक घट जाएगा। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? 108। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अव्ययी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला है 9th क्वेश्चन। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका वाष्पन। ठीक है, वाष्पन कहेंगे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? गलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 112 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव अगर मिला देंगे तो जो गलनांक है वो घट जाएगा, गलनांक घटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 113। 113वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है? जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पानी तब उबलेगा जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 114। 114वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 के, ठीक है, केल्विन के। ठीक है, चलिए आगे देखिए 115। 115 क्वेश्चन क्या है? किसी द्रव का
वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा, ठीक है, ऑप्शन बी, उसका तापमान घटेगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 116, ठीक है, 116 क्वेश्चन क्या है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, उसे कहा जाता है त्रिक बिंदु, ठीक है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे कहा जाता है त्रिक बिंदु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 117 क्वेश्चन। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर जो है अधिक समय लगेगा, ठीक है। इसका जो भी रीजन है वो सारी चीजें जो हम आपको रिसेंट सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से हम आपको कराएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस के बीच में बार बार एक एक क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन इसमें टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ, अभी बस जैसे क्वेश्चन है आप इसे पढ़ते चलिए, आगे आने वाले टाइम में आपको जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छे से सारी चीजें आपको याद आएंगी, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको याद आएंगे दोबारा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो इसमें आपका हो जाएगा द्रव के ताप पर, द्रव के ताप पर भी निर्भर करती है, वायु के ताप पर भी निर्भर करती है, और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पर अच्छा चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी कारकों पर, तो आपका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी कारकों पर, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, सभी पर निर्भर करेगी। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक क्या होता है, तो जल का क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है आपका जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 121 क्या कह रहा है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, ठीक है, और फिर जमकर बर्फ बन जाती है, फिर हिमपात होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 122 क्या कह रहा है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है, क्या कारण है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका 122 में आपका आंसर बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए 123 देखिए, पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में कितना समय लगता है, अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर पहाड़ों की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 124, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ठीक है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ठीक है। अगला देखिए 125, 125 क्या है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए 126, 126 में है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण, तो किस कारण ठंडा हो जाता है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, घट जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, तो तल अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है,
ये जैसा 129 क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर आपसे ये कह दे कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो पानी का तल बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर क्या होगा, तो वो भी उसका आंसर भी यही होगा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा उसका भी तल। ठीक है, तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 130। 130 क्या है? प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इस वजह से। ठीक है, चलिए अगला देखिए 131। 131 में क्या है? मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, जिसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पसीना, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ये इसका कारण है। ठीक है, चलिए अगला। ये आप मौसम, ये ऐसा आपको तब फील होता होगा जैसे 131 क्वेश्चन में लिखा है, जब हवा में, जो हवा है हमारे चारों तरफ, इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है और आपका पसीना नहीं सूखता, तो वही क्वेश्चन है ये कि मनुष्य आर्द्रता में परेशानी महसूस करता है क्यों? क्योंकि जो आपका पसीना होता है वो सूखता नहीं है, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। जब हवा में आपके आसपास ऑटोमेटिक उसमें नमी है तो वो आपके शरीर से पसीने को सुखा नहीं पाती है। ठीक है, तो ये आंसर, ये क्वेश्चन है आपका। अगला देखिए 132। 132 क्या कह रहा है? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये है आपका आंसर ए, वाष्पीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला 133। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर पानी उबलने लगेगा पहाड़ों पर, अगर आप पानी को खौलाएंगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 134। 134 क्या कह रहा है? वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाएगी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135। 135 क्या है? किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये एक ही तरह के क्वेश्चन है दोनों लगभग। ठीक है, एक ही डिफिनेशन से जुड़े हुए। ठीक, चलिए आगे देखिए 136। 136 क्या कह रहा है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान ऑप्शन सी 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 137। 137 क्वेश्चन क्या है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों? क्योंकि भाप से गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 139। 139 क्या कह रहा है? ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या संरक्षित होता है? ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में ऊर्जा से ऊर्जा संरक्षित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 140। 140 में क्या है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ये आपका प्रथम नियम से मिलती है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना जो है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 141। 141 क्या है? रुद्धोष्म में परिवर्तन में, रुद्धोष्म में परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, रुद्धोष्म परिवर्तन में ताप अपवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए 142। 142 देखिए, समतापीय परिवर्तन में, समतापीय परिवर्तन में क्या होगा? ताप अपवर्तित रहता है। ठीक है, ताप अपवर्तित रहता है। ठीक है, इनमें से थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, एक बार मैं इसमें से, ये आपका जो आंसर है 141, तो 141 इसमें आपका जो आंसर है ये होगा, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होगा? रुद्धोष्म परिवर्तन में
ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। तो दो परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। और जो समतापी परिवर्तन है, समतापी परिवर्तन में आपका ताप अपवर्तित रहता है, अपवर्तित रहती है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, 143। 143 में क्या है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है रेफ्रिजरेटर में एक समान तापमान बनाए रखना, ठीक है। थर्मोस्टेट का क्या काम है, एक समान तापमान को बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 144। 144 क्या है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है। तो यह है आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 145, ठीक है। 145 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य की सतह का ताप होता है, सूर्य की सतह का क्या ताप होता है, 6000 केल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 146। 146 क्या है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। चलिए अगला देखिए, 147। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इस वजह इसलिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ठीक है। अगला देखिए, 149। 149 क्या कह रहा है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, काला और खुरदरा हो, जब वह काला और खुरदरा होगा तो वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150। 150 में क्या है, किस बिंदु पर फॉरेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 160 फॉरेनहाइट, 160 फॉरेनहाइट, ठीक है, 160 फॉरेनहाइट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 151। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर में जो है पारद का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, इसमें उच्च चालकता होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 152। 152 क्या है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 153। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपको मैंने बताया था अभी ऊपर, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अगला देखिए, 154। 154 में क्या है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 155। 155 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव पर निर्भर करती है, पिंड के द्रव पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह है, क्यों, क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ये अपने ऊपर पड़ने से भी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ये मैंने आपको बताया है अभी पीछे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 157। 157 में क्या है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, क्यों, क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 158। 158 क्या कह रहा है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, एक श्वेत और चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है, ठीक है, वो परावर्तित हो जाएगी, उस पर जो भी ताप पड़ेगा उस पर, ठीक है, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है, परावर्तक अच्छी होती है लेकिन अवशोषक जो होती है वो खराब होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 159। 159 में क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही
नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। सही है, एयर कंडीशनर तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। सही है, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। अगला देख लेते हैं, दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 160। 160 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस नापने हेतु उपयुक्त हो वह है, तो वह क्या है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन सी, वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 161। 161 में क्या कह रहा है, जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है, अतिरिक्त जो उसकी नमी होती है वो अवशोषित हो जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 162। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है, परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 163। 163 में क्या कह रहा है, 163 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है, किसकी ऊष्माधारिता अधिक है, तो यहाँ पर जल की जो है ऊष्माधारिता अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 164। 164 में क्या कह रहा है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, अपेक्षिक आर्द्रता तो जो है वो घट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 165। 165 क्या कह रहा है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं 166। 166 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षिक ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 167। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो ब्लैक बॉडी जो है वो उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखिए 168। 168 में क्या कह रहा है, शीत ऋतु के दिनों में जब हम मौसम शीत ऋतु के दिनों में जब में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, साफ मौसम होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। ठीक है, अगला देखिए 169। 169 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर आपका होगा, सारे कथन देखने पड़ेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता की वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जा सकता है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री की कमी हो जाती है, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, या फिर ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 170। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा जो है वो ऊष्मा का अच्छा कुचालक होता है, कुचालक होता है, और आंसर सी, आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 171। 171 में क्या है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो ये अभी मैंने पीछे भी बताया है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ठीक है, चलिए 172। 172 में क्या है, 172 में क्या है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, तो शीतलन की दर आपकी बॉडी और उसके आसपास की चीजों के तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला देखिए 173। गैसों के दो विशिष्ट ताप
इसके द्वारा संबंधित है, किसके द्वारा संबंधित है, ये आपका सी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन जे, ठीक है, इसके द्वारा संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 174, 174 में क्या है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए जो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, पसीना इसलिए शरीर को ठंडा लगता है क्योंकि वाष्पीकरण अभिक्रिया हो जाती है हमारे पसीने और शरीर के बीच, वाष्पीकरण अभिक्रिया के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 74 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, और अब इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो तीसरा टॉपिक होगा आपका ध्वनि, तो आपका ये साउंड स्टार्ट करेंगे हम, और ये दो टॉपिक आपके फिजिक्स में इसमें ख़त्म हो गए हैं, टोटल 8 है मैंने बताए थे, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल में जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है, थैंक यू।